दोस्तों आप भी अगर आईफोन यूज़ करते हो और आपके आईफोन डिवाइस में आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है तो कैसे लगाना है इसके स्टेप्स बताने वाले हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर। दोस्तों सेटिंग्स ऑप्शन में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रोल करना है और टच आईडी एंड पासकोड ये ऑप्शन आपको मिलेगा, ये आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एंटर योर पासकोड ये ऑप्शन पूछेगा, तो आपका डिवाइस अनलॉक करने के लिए जो पिन आप यूज़ करते हो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। पासकोड एंटर करने के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पे टच आईडी एंड पासकोड का ऑप्शन मिलता है। अब आप टच आईडी यानी कि फिंगरप्रिंट जो है वो किसके लिए यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको, जैसे कि आईफोन अनलॉक करने के लिए, आईट्यून्स एंड ऐप स्टोर के लिए, वॉलेट एंड एप्पल पे के लिए, पासवर्ड ऑटोफिल के लिए। तो ये टॉगल आप बाद में भी एनेबल कर सकते हो। आप देख सकते हो उसके नीचे फिंगरप्रिंट्स का ऑप्शन है और यहाँ पे ऐड अ फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे सिंपली ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद टच आईडी का ऑप्शन आपको मिलेगा, यूज योर फिंगरप्रिंट इन प्लेस ऑफ योर पासकोड। तो पिन जहाँ पे आप डालते हो डिवाइस अनलॉक करने के लिए वहाँ पे आप सिंपली फिंगरप्रिंट स्कैन करके डिवाइस को अनलॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे होम बटन है, तो होम बटन के ऊपर सिर्फ इस तरीके से यहाँ पे फिंगर प्लेस कर देना और इस तरीके से स्कैनर जो है स्कैनिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अलग अलग जगह पे यहाँ पे इस तरीके से फिंगरप्रिंट को जो है या फिंगर को जो है यहाँ पे स्कैन करके लेना है। तो देख सकते हो आधा काम हो चुका है, एडजस्ट योर ग्रिप, तो कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है ऐसा ऑप्शन आया तो, और एक बार फिर से हर साइड से आपको फिंगरप्रिंट यहाँ पे स्कैन करके दे देना है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे फिंगरप्रिंट वन आ चुका है, तो यानी कि एक ही फिंगरप्रिंट है। आप मैक्सिमम जो है दोस्तों यहाँ पे 5 फिंगरप्रिंट्स ऐड कर सकते हो आपके आईफोन डिवाइस में। अब मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि आप 5 से ज़्यादा फिंगरप्रिंट से आपका डिवाइस कैसे अनलॉक कर सकते हो, तो वहाँ पे मैंने 15 फिंगरप्रिंट्स आप कैसे ऐड कर सकते हो इसका एक वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने ट्रिक बताया, तो वो आप चेक कर लेना। तो एक फिंगरप्रिंट यहाँ पे हो गया। दूसरा फिंगरप्रिंट अगर आपको ऐड करना है तो ऐड अ फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। सेम चीज़ें आपको फॉलो करनी है, इस तरीके से आपको स्कैन कर लेना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और फिर से जो स्कैनिंग है वो कंप्लीट करनी है। आप देख सकते हो 2 फिंगरप्रिंट्स ऐड हो चुके हैं और ये टॉगल जो है ये ऑटोमेटिकली एनेबल हो चुके हैं। अब आपको कोई एक स्पेसिफिक चीज बंद करनी होगी तो आप कर सकते हो, जैसे कि आपको पासवर्ड ऑटोफिल नहीं करना है तो आप उसका टॉगल बंद कर सकते हो, बट चाहिए तो आप उसे ऑन कर सकती है, ऑन रख दीजिएगा। होम पे आते हैं, लॉक कर देते हैं और देखते हैं यहाँ पे अभी डिवाइस अनलॉक हो रहा नहीं है, तो आप देख सकते हो रहा है। एक बार फिर से लॉक कर देता हूँ, होम बटन पे मैंने सिर्फ फिंगर रख के प्रेस कर दिया और डिवाइस यहाँ पे अनलॉक हो रहा है। तो दोस्तों ये सिंपल स्टेप्स फॉलो कीजिए अगर आपको आपके आईफोन डिवाइस में यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनेबल करना है या फिर लगाना है तो। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।